आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलकर 75 वर्ष है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमें ध्यान देना है ज्ञात क्या करना है, 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा 2 वर्ष है। अगर हम वर्तमान आयु मान लेंगे तो 20 वर्ष बाद हम पुत्र की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी, 1 वर्ष है। ठीक है, तो 20 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी, 1 पुत्र की क्या है, 2 वर्ष, तो 2 माइनस 20 वर्ष, वर्तमान आयु से 20 घटा देंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलकर 75 वर्ष है, और हमने प्रश्न में माना है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा y वर्ष है। ठीक है, तो x और y मिलकर कितना है, 75 के समीकरण 1, यहां से हम y का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 माइनस x के, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आगे कह रहा 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या है, x माइनस 20 बराबर 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 20। तो कह रहा पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, मतलब पुत्र की आयु की 11 गुनी। इसको हल करते हैं, x माइनस 20 बराबर, इसको 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 11y हो जाएगा माइनस 11 दूनी 22 और 0। ठीक, तो 220 आ जाएगा। अब समीकरण 2 से हम y का मान ले लेते हैं, तो समीकरण 2 से y का मान रखने पर y का मान क्या है, 75 माइनस x, x माइनस 20 बराबर 11 गुणे 75 माइनस x माइनस 220 क्या होगा, x इधर रखेंगे माइनस 20 को उधर भेज देंगे और 11 को अंदर गुणा कर देंगे, पहले 11 से अंदर गुणा करते थे, 11 पच्चे 55 हासिल 5, 11 सते 77, 77 और 5, 77 और 5 क्या होगा, 82 होगा ना, माइनस के 11 x माइनस 220 और जो माइनस 20 से इधर जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा। ध्यान देना, ये माइनस 11 x से इधर आएगा प्लस में, तो x प्लस 11 x बराबर माइनस 220 से अगर प्लस 20 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, 825 माइनस 200। अब यहाँ पर क्या होगा, 11 एक 12, 12 एक्स हो जाएगा,
पांच से जीरो घटाएंगे पांच आएगा, दो से जीरो घटाएंगे दो आएगा, आठ में से दो घटाएंगे छ आएगा, तो x बराबर क्या होगा 625 बटे 12। यहां पर मान क्या आ जाएगा x का, 12 पंचे 60, 60 दो बचा, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 एक 25, पॉइंट बढ़ाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो 10 बचा, नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 8 बार चला जाएगा, ठीक। x का मान आ गया क्या 52.08, x का मान आ गया 52.08। अब हम y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, यहाँ स्पेस है बीच में, यहाँ पर निकाल लेते हैं, y बराबर 75 माइनस, एक मिनट भाई, x का मान है ना ये, हाँ तो x का मान यहाँ पर रखिए 52, ठीक है 52.08, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.00, इसमें 75.00 बढ़ा लेंगे तो क्या होगा 10 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बीच में 9 बचेगा तो 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आ जाएगा पॉइंट। फिर आगे जो है 4 बचा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, और 7 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर y का मान जो आया 22.92, ठीक है। अब इसी तरह हमें ज्ञात करना है 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु, y क्या है पुत्र की वर्तमान आयु है, ठीक है, तो 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर क्या होगा, वर्तमान आयु क्या निकला 22.92 प्लस 20 वर्ष बाद क्या होगा 0.92, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 2 4। अब इसको हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लगभग इसके जो है 9 है यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद, तो यहाँ पर एक आगे जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 43 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष बाद, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु 43 वर्ष हो जाएगी। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं।